वेज पुलाव बनाएंगे, उसके लिए हम घर का अरवा चावल ले लिए हैं। 250 ग्राम मेरे पास चावल है, इसे हम अच्छे से धो लिए हैं साफ़ करके और छान लिए हैं। इसका पूरा पानी गिर गया है और इसे हम आधे घंटे के लिए पानी में डाल के छोड़ दिए, उसके बाद हम धो के इसे हम साफ़ कर लिए हैं। अब इसे हम किनारे रखते हैं। अब पुलाव में डालने के लिए हम एक गाजर ले लिए हैं, इसे छोटे छोटे आकार में काट लिए हैं। 8-10 मटर के दाने हैं, इसे हम ले लिए हैं। 8-10 मटर के दाने को हम छील के ले लिए हैं। थोड़ा सा हम पनीर ले लिए हैं, थोड़ा सा हम काजू ले लिए हैं, थोड़ा सा बीन्स ले लिए हैं काट के छोटे छोटे टुकड़ों में, थोड़ा सा हम किशमिश ले लिए हैं। अब चलते हैं भेज पुलाव बना लेने की। और इसमें जीरा है, दालचीनी का टुकड़ा है, जावित्री है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है। और अब हम चलते हैं पुलाव बना लेते हैं। गैस पे हम कुकर रख दें, कुकर गर्म हो गया, इसमें हम आधा चम्मच घी डाल देंगे। गैस का आँच हम तेज़ रखेंगे जिससे कि घी मेरा पिघल जाए। ये हम जीरा गरम मसाला जो रखे हैं इसमें हम डाल देंगे। जीरा को बहुत काला नहीं करना, नहीं तो आपका चावल काला हो जाएगा। गैस का आँच धीमा कर लेंगे। अब हम इसमें गाजर डाल देंगे, बीन्स डाल देंगे और 2 मिनट हम इसे भून देंगे। 2 मिनट इसे हम भून लिए हैं। अब इसमें हम चावल डाल देंगे जो कि हम धो के रखे हैं। और अब हम चावल को तेज़ आँच पर भून लेंगे 2 मिनट के लिए। इसे हम तेज़ आँच पर अच्छे से भून लेते हैं। 2 मिनट इसे हम अच्छे से भून लिए हैं। अब इसमें हम मटर के दाने डाल देंगे, पनीर डाल देंगे, काजू और किशमिश डाल देंगे इसमें, और इसे मिला लेंगे। इसे मिला के अच्छी तरह से हम भून लेंगे। 2 मिनट इसे हम भून लिए हैं। अब इसमें हम गरम पानी डाल देंगे। जितना हम चावल लिए थे उससे 2 गुना पानी डाल देंगे। 1 कटोरी हम चावल लिए थे, इसमें 2 कटोरी पानी डाल, 2 कटोरी हम इसमें पानी डाल दिए। चावल पुराना है, कम पानी डालेंगे चावल कच्चा रह जाएगा, इसलिए हम 2 कटोरी पानी डाल दिए हैं, क्योंकि उसका ढक्कन बंद कर देंगे और 2 सीटी आने तक हम तेज़ आंच पे पका लेंगे। ढक्कन हम बंद कर दे रहे हैं और 2 सीटी तेज़ आंच पे हम इसे आने देते हैं, इसमें उसकी 2 सीटी आने देते हैं। कुकर का प्रेशर नहीं निकल जाए तब तक इसे हम नहीं खोलेंगे। तो कुकर को हम नॉर्मल होने देते हैं, उसके बाद हम खोल के और पुलाव आपको दिखाते हैं कि मेरा पुलाव कैसा बना है। कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया है, देखिए। अब हम ढक्कन खोल लेते हैं और आपको पुलाव दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा पुलाव बन के तैयार है। अब आपको हम प्लेट में भी निकाल के दिखाते हैं। देखिए एक चावल ना अधिक पका है ना कम पका है, कितना परफेक्ट पुलाव बन के तैयार है। और ना इसमें बहुत हम घी डाले हैं ना बटर डाले हैं, बस थोड़ा सा घी में इसे हम बनाए हैं। देखिए कितना अच्छा अलग अलग पूरा दाना है, एक एक चीज़ अलग अलग है, पनीर अलग है ना, पनीर टूटा है। तो इस तरह से आप भी पुलाव बनाएं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है आप मेरे, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।